नमस्कार स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्स फ्री आरएल सर्किट। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्स फ्री आरसी सर्किट एंड वी हैव स्टार्टेड अवर टॉक ऑन द फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क्स। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सोर्स फ्री आरएल सर्किट के बारे में, ठीक है। सो सोर्स फ्री आरसी सर्किट का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है सो उसके लिंक मैंने यहाँ पर ड्रॉप करी है, सो आप वो लेक्चर पहले देख के आइए, इन दैट कम एंड बैक द वॉच द लेक्चर ऑफ द सोर्स फ्री आरएल सर्किट। ओके, सो अ सीरीज कनेक्शन ऑफ अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इज लेट्स से इट इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस, वेयर योर इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। सो दिस ग्राउंड, इंडक्टर है एल, रेजिस्टर है आर। लेट से जो करंट यहाँ पे फ्लो रहा है उसकी वैल्यू है आई, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू है वी एल, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू है लेट से वी आर, ठीक है। सो व्हाट इज अवर गोल, सो अवर गोल इज टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट विच इज नथिंग बट द करंट थ्रू दिस इंडक्टर। ओके, सो कैपेसिटर के केस में क्या था, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, दैट गिव अस द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं सो द करंट थ्रू द इंडक्टर विल गिव अस द रिस्पॉन्स ऑफ अवर सर्किट। ओके, नाउ सिलेक्ट द इंडक्टर करंट एज द रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द आइडिया दैट द इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ओके, सो इंडक्टर के थ्रू करंट है, इट विल टेक सम टाइम टू चेंज। ओके, सो लेट अस से एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द इंडक्टर करंट हैज द इनिशियल वैल्यू आई इज इक्वल टू आई जीरो। ओके, सो इनिशियली द वैल्यू ऑफ करंट इज आई जीरो इन दिस इंडक्टर, सो दैट इज नथिंग बट आई जीरो इज इक्वल टू लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। Okay, so we are assume that initially that inductor is charged by some external source. Okay, so when this key is pressed, at that time our inductor is charged. ठीक है, वो कितना charge है, so उसके through initial current है, इसकी value है I zero. ठीक है, अब हम source free circuit के बारे में बात कर रहे हैं, तो source free circuit मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है, ठीक है। सो जब ये की प्रेस थी तब हमारा इंडक्टर चार्ज है, आफ्टर डिसकनेक्टिंग दिस सर्किट नाउ ओनली द इंडक्टर एंड रेजिस्टर इज प्रेजेंट, वट एवर द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी डिसिपेटेड इन अवर रेजिस्टर, ठीक है। सो यहां पर कोई सोर्स नहीं है अब इस सर्किट में, दैट इज वाई इट इज सोर्स फ्री आरएल सर्किट, और इसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसे हम कहेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको अगर मैं निकालू तो वो क्या मिलेगी मुझे, वन हाफ एल आई स्क्वायर, बट यहां पर आई की वैल्यू है, हमने एज्यूम की है कि भाई एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आई की वैल्यू है आई जीरो, सो हमें जो एनर्जी मिलेगी डब्ल्यू जीरो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन बाई टू एल आई जीरो स्क्वेयर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। नाउ इन दिस लूप लेट अस अप्लाई द केवीएल। ओके, सो इफ यू अप्लाई केवीएल इन दिस लूप यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो। ओके, बिकॉज यहां पर आप पोलरिटी देख सकते हैं, वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन बी रिटन एज एल डी आई बाई डी टी प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज नथिंग बट आर मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर में थ्री बोल देता हूं। ओके, नाउ वी हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन, हियर यू कैन सी इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यह होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू जीरो है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता तो उस केस में उसका सॉल्यूशन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन यह होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका
सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, और वी कैन से इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एल, देन वी कैन राइट डी आई बाय डी टी प्लस आर बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू जीरो। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट टेक दिस आई हियर एंड डी टी इन दिस साइड। सो इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन, आई कैन राइट एस डी आई बाय आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल डी टी। आई एम स्कीपिंग सम स्टेप बट इट इज वेरी इजी। ओके, सो यहां पर हम आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे सो दैट विल गिव अस, दिस इज नथिंग बट नेचुरल लॉगरिदमिक ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल विल बी कॉन्स्टेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विल बी टी प्लस लेट से द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज एल एन आई जीरो। ओके, इट इज इक्वेशन नंबर सिक्स। ओके, सो अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए और एल एन आई डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस एल एन आई जीरो दैट विल बी, इफ यू टेक इट विल बी एल एन आई बाय आई जीरो इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल टी। ओके, नाउ द टेकिंग द पावर्स ऑफ ई वी हैव द फाइनल आंसर आई, दैट इज द फंक्शन ऑफ टी, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग I of t in place of I. Okay, so I of t is equal to, now if you take I0 in this side, I0 e raised to minus R by L multiply by t. Let's say this is equation number 7. Okay, so this is nothing but the current through inductor is given by I of t is equal to I0. I0 is nothing but at time t is equal to 0 value of current in the inductor e raised to minus R by L t. Now this shows that the natural response of RL circuit is an exponential decay of initial current, that initial current is I0. So capacitor ke case mein bhi humne dekha tha ki V of t ki value hume kya mili thi. So I hope you remember V0 e raised to minus t by tau, where tau is nothing but R into C time constant. Okay, the multiplication of your equivalent resistance and equivalent capacitance. ठीक है, so यहां पर अभी आप देख सकते हैं that the response, this is the natural response. Okay, because we have not connected any independent source in the circuit, that is why this response is a natural response, and this shows that the natural response of RL circuit is an एक्सपोनेंशियल डीके। यहां पर आप नेगेटिव साइन देख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज द एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ व्हाट द इनिशियल करंट आई जीरो। ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू, सो इफ आई प्लॉट दिस सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस इज माय करंट आई ऑफ टी, दिस इज टाइम एक्सिस जीरो, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी आई जीरो। सो लेट्स से हियर इट इज आई जीरो एंड लेट मी राइट द इक्वेशन आई जीरो e raised to minus R by L t. So the maximum value will be I0 and then it will be exponentially decaying. So that will look something like this. Got it? This is our I0 e raised to minus t by, now let me write the tau. Okay, I'll explain what is the value of tau. So जब हम कैपेसिटर के केस में बात किया था तब भी at the value of 1 tau we will get the value, that is the 0.368 I0. It is nothing but 36.8 the value of your maximum value of current. Okay, now here we are taking the value of tau, and here the tau is nothing but L by R. Okay, so we can say the time constant of your RL circuit is nothing but tau is equal to L by R. So if you just just compare this equation, you will get tau is equal to L by R. Now the time constant tau has the unit is the unit of this is obviously the seconds. Okay, so this equation also can be rewritten as I0 e raised to minus t upon tau. Okay,
Now, if I interested to find the voltage across the resistor, and that can be given as nothing but let's say this is VR of T. Okay. Now, if the current will be same because the circuit was series circuit, na? So the circuit was something like this. It's your L, your R, your current I. So VR, sorry, VL, VR. Okay, so current will be same. In that case, we can write the voltage across this resistor is I multiplied by R, and that can be written as I is nothing but E I zero e raised to minus t upon tau multiplied by R. Okay, let's say this is equation number 8, that is nothing but the voltage across resistor. Now, in previous case also we have discussed that smaller the time constant, or we can say smaller the value of your L by R ratio of a circuit, the faster the rate of the decay of the response. Okay, so that will the value of I zero decay very faster, so that will give us the rapid response or the fast response. And in case of larger time constant, the slower the rate of the decay of our response. So that will be for our larger time constant. In lower time constant, it will look something like this. Okay, so at any rate, the response decay to less than 1% of initial value. Okay, that is reaches at our steady state value after how much time constant? So it will take 5 time constant to reach its final value. Okay, or we can say to get zero right here. Afterward, the value is not going to change. So how much time constant it will take? It will take 5 time constant. After 5 time constant, the value will be less than 1%. Okay, of its initial value, that is I zero. 1% of I zero. Got it? Now, working with a source free RL circuit, so सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, we have to find the value of our current through inductor, that is initial current I zero. The second thing, we have to find the value of tau. Okay, that will be depends on the value of your inductor and resistor. And when a circuit has a single inductor, or we can say several resistors and the dependent sources, the Thevenin equivalent can be found at the terminal of the inductor to form a simple RL circuit. Also, one can use, we can say, the Thevenin theorem, where the several inductors can be combined to form a single equivalent inductor. Okay, that we have discussed in our previous case also. So it can be a combination of your resistor and inductor, or it can be a single resistor and inductor. Okay, so this is very important thing. This is nothing but the natural response of source free RL circuit. Now let us try to solve an example. Okay, so here you can see one example that the circuit given here. We have to assume that the current I zero is 10 ampere. Okay, so current the value of initial current in this inductor, that is given by I zero 10 ampere. Now we have to calculate the value of I of t. So that is I of t and Ix of t, and Ix of t is nothing but the current through the 2 ohm resistor. Here we are having a dependent voltage source that is having the value of 3i. Okay, so once we have the value of I, then we can easily find the value of this. So let us start to solve this example. Actually, there are two ways to solve this particular example. The first way is to obtain the equivalent resistance at इंडक्टर टर्मिनल. सो द इंडक्टर इज ओनली वन इंडक्टर इज गिवन. सो सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, सिंपल आर एल सर्किट ड्रॉ करें, एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू. द अनदर वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, नाउ विच एवर अप्रोच इज टेकन, इट इज ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट आई ऑफ टी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ, सेकंड मेथड में आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप उससे उसकी केवीएल की मदद से फाइंड करें, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके इस सर्किट को सॉल्व करें और आईटी और आईएक्सटी की वैल्यू फाइंड करें. ठीक है, मैं आपको फर्स्ट अप्रोच बताता हूँ जिसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आईटी एंड आईएक्स ऑफ टी. सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सेम एज द थेवेनिन रेजिस्टेंस एट द इंडक्टर टर्मिनल. नाउ because of the dependent source, a voltage source is inserted with, we can say, V0 is equal to 1 volt. So यही हम करते थे थेवेनिन्स के थ्योरम में, कि जब हमारे पास कोई
डिपेंडेंट सोर्स थे, तो हम क्या करते थे, वी आर इंसर्टिंग अ वोल्टेज सोर्स विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट एट द टर्मिनल ऑफ इंडक्टर. ओके, सो लेट्स से दिस टर्मिनल इज ए एंड बी, सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट V0 is equal to 1 volt at the inductor terminals A and B. So let me just show you the figure how it will look like. Okay, so this will not going to change. So let me just make the correction in this particular circuit only. So we have to erase these things and we have to add one voltage source which is having value 1 volt. Okay, and let's say this current will be I0. ठीक है, अब ये है उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, दैट्स अज्यूम दैट वी आर एलिमिनेटिंग दिस इंडक्टर, सो इट इज नॉट राइट हियर. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अनदर फिगर बट यू कैन इजिली डू दिस. सो जस्ट अज्यूम यहां पर इंडक्टर कनेक्ट नहीं है. लेट्स से द करंट इन दिस लूप इज I1 एंड इन दिस लूप इज I2. ओके, नाउ अप्लाई KVL इन दिस लूप, यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 2 multiply by this I1, that can be written 2I1 and minus 2I2 plus 1 is equal to 0. Okay, so ye 2 ohm hai wo parallel mein hai, that is why I1 current bhi usse flow hoga, I2 bhi hoga, that is why 2I1 minus I2 plus 1 is equal to 0. Second loop ki agar main baat karu to uska kya aayega, your I1 minus I2 is equal to minus 1 by 2. Okay, so this is our two equation that we can get from your applying KVL in this loop. Now let's say we can say this is the solution of this, and after applying the KVL in this loop we can get 4 plus 2 is equal to 6 I2, minus the I1 current is also going to flow in this resistance, that is why 2I1, and this is minus 3I1 is equal to 0. Okay, so we can write here I2 is nothing but 5 by 6 I1. okay, let's say this is equation number A and this is equation number B. Okay, so if I substitute the value of I1, or we can say this value, into equation number A, you will get I1 is equal to minus 3 ampere. Okay, so if you solve this equation, you will get the value of I1, and I1 is nothing but, here you can see I0 in this direction, okay, and I in opposite direction, that is why I0 is nothing but the minus of I1. ठीक है, सो अगर ये माइनस 3 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 3 एम्पियर. सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2. नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ I2, दैट इज वाई वी आर नॉट फाइंडिंग, बट द वैल्यू ऑफ I1 विल बी 3 एम्पियर, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ I0 विल बी 3 एम्पियर. ओके, I1 इज माइनस 3 एम्पियर. सो हेंस हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH ओनली. ओके, वी वॉन्ट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टर. नाउ जस्ट बिकॉज दिस डिपेंडेंट voltage source is connected, we have to do this. Okay, so RTH will be the value of V0 divided by whatever the current we have found here, I0. So value of V0 is 1, I0 is 3, so that will be our equivalent value of resistor. ठीक है, so ये हमने easily find कर लिया. अब हमें क्या find करना है, I of t and I x of t. What is I of t? We can know that I0 e raised to minus t by tau. Okay, where tau is what? L by R, or we can say L equivalent by R equivalent. Now, we have the value of RTH, and that is 1 by 3 ohm. Okay, और inductor की value तो हमारे पास पहले से ही थी, वो थी 0.5 Henry. So if you put the value of L and R into this equation, you will get your tau is equal to 1 by 2 divided by 1 by 3. ठीक है, that will be 3 by 2 seconds. So अब हमारे पास tau की भी value है,
ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन पे रख दू, और आई जीरो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम्पल में दी है कि आई जीरो की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, ये 10 एम्पियर और टाउ की वैल्यू अगर मैं आई में रख दू इस इक्वेशन पे, सो आई ऑफ टी दैट इज नथिंग बट द करंट थ्रू इंडक्टर एल। सो आई ऑफ टी की वैल्यू मुझे मिलेगी 10e-t/3/2। ओके, सो दैट विल बी टेन ई रेस टू टू टी बाई थ्री, वेर द वैल्यू ऑफ टी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट आंसर मुझे मिल गया, द वैल्यू ऑफ आई ऑफ टी। ठीक है, सेम वे मैं फाइंड कर सकता हूं आई एक्स ऑफ टी दैट इज नथिंग बट द करंट थ्रू रजिस्टर। नाउ द सर्किट इज इन सीरीज, सो वैल्यू ऑफ आई ऑक्स टी इज नथिंग बट आई ऑफ टी। सो रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 10e-2 t/3। ओके, सो ये एक वे है टू फाइंड द सॉल्यूशन। सेकेंड वे मैं आपके लिए रखता हूं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा दोनों लूप में जो हमारे पास पहले सर्किट थे। सो आप क्या करेंगे, आप केवीएल अप्लाई करेंगे लूप वन में और केवीएल अप्लाई करेंगे लूप टू में। नाउ इन दिस केस दिस इज नॉट राइट हियर। ओके, सो ये हो गया आपकी लूप वन, ये हो गया आपकी लूप टू। सो सबसे पहले आप केवीएल अप्लाई करेंगे, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ i1 and i2। उसको सॉल्व करके आपको एक करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो हमने थियरी में किया है, ठीक है, उसी तरह से आपको इंडक्टर के थ्रू का करंट डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो केवीएल का प्रोसीजर वेरी इजी है। सबसे पहले केवीएल यूज करें दोनों लूप में, देन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वन करंट इनटू अनदर इक्वेशन यू विल गेट वन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज ऑल्सो अन होमोजीनियस फंक्शन, सो द सॉल्यूशन विल बी वेरी इजियर दैट वी हैव डन इन अवर थियरी सेक्शन। ओके, आफ्टर वट यू जस्ट गेट द सॉल्यूशन लाइक आई टी इज इक्वल टू आई जीरो एरियस टू माइनस टी बाई टाउ। ओके, सो वो करेंगे आपको इजिली सेम सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैं वो आपके लिए रखता हूं। ठीक है, सो सॉल्व दिस एंड कमेंट कि आपको सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर टेल मी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट द सेम आंसर। आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी सेंड करूंगा। ठीक है, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टूडेज लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स फ्री RL सर्किट। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सो RLC सर्किट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।